Hello my craft lover, hope you all are doing good. On today's video, we are going to create a wall hanging with some waste materials. So please guys, watch till the end and let me know your feedback. For this DIY, you guys need a piece of cardboard and some colors. And if you want to decorate this item, please use some mirror pieces. Otherwise, you can use some color to decorate the wall hanging. So I want to cut the cardboard in circular shape. मैंने यहाँ bottle के cap ली हूँ उसको mark करने के लिए. अगर आप चाहो तो आप rounder के साथ भी उसको mark कर सकते हो. मैं इसको scissors के साथ cut कर ली और अब ये मेरा तैयार है. एक्चुअली में मुझे 16 पीसेस चाहिए था ये वाला वॉल हैंगिंग के लिए, तो ये मेरा 16 पीसेस भी तैयार है. अब इसका जो साइड है, जैसे इसको कवर करने के लिए मैं ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप इसके जगह पेपर भी यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ क्राफ्ट ग्लू के साथ इसको स्टिक कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, बट यू मस्ट रिमेम्बर इट्स ऑलवेज गुड टू कवर द साइड एजेस. एक्चुअली में दोस्तों, जो कार्डबोर्ड सरफेस होता है उसका साइड एजेस थोड़ा ओपन अप होता है, जिसके साथ कलर्स लगाना थोड़ा मुश्किल है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू पुट सम थ्रेड और पेपर सो दैट यू कैन अप्लाई योर कलर सो परफेक्टली. अब ये मेरा सारा बन के तैयार है एंड आई वॉन्ट टू गिव इट ए बेस्ट कोट. एंड बेस्ट कोट के लिए मैं हमेशा की तरह व्हाइट एक्रेलिक पेंट ही यूज़ करूँगी. एंड आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू टू यूज़ व्हाइट एक्रेलिक पेंट एज द बेस्ट कलर ऑलवेज, बिकॉज आपका जो व्हाइट कलर होता है उसके ऊपर आपके सारे फेवरेट कलर्स अच्छे दिखते हैं. सो यू हैव टू यूज़ व्हाइट पेंट फर्स्ट एंड देन योर फेवरेट कलर. Now it's time to put all your favorite colors over the cardboard surface. मैंने यहाँ ज़्यादातर डार्क सेट का ही चूज़ की हूँ. अगर आप चाहो तो आप किसी भी सेट्स का यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो द सेम, देन प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव मेंशन ऑल माई फेवरेट सेट्स देयर. तो दोस्तों, मैंने इस तरह सारे के सारे जो मेरे कार्डबोर्ड सरफेस थे इसको मैं कवर कर लिया डिफरेंट कलर्स के साथ. और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स छोड़ दी थी इसको सूखने के लिए. और सूखने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ मिरर का डेकोरेशन करने वाली हूँ. एंड ये मेरा मिरर है जिसको मैं ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसके ऊपर मैं स्टिक करने जा रही हूँ. और स्टिक करने के लिए मैं यहाँ क्राफ्ट ग्लू का इस्तेमाल की हूँ. अगर आप चाहो तो आप हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो. एंड इस तरह मैं सारे बेस के ऊपर मैं मिरर को स्टिक कर दी. अगर आपके पास मिरर्स अवेलेबल ना हो या फिर आपको मिरर्स पसंद ना हो तो आप मिरर्स की जगह वाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो. एंड फॉर द साइड पोर्शन आई वॉन्टेड टू पेंट इट लाइक अ पोल्का डॉट. सो जो ब्रश का पीछे वाला पार्ट होता है उसके हेल्प से मैं गोल्ड एक्रिलिक कलर को डॉट प्रिंट के हिसाब से यहाँ यूज़ कर ली. अगर आप चाहो तो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हो. एंड एज आई मेंशन, मैं 16 पीसेस कार्डबोर्ड के साथ ये वाला वॉल हैंगिंग बनाने जा रही हूँ. सो मैंने सारे कार्डबोर्ड के ऊपर सेम डिज़ाइन में डेकोर कर दी हूँ. एंड इट्स टाइम टू पुट सम एम्ब्रॉयडरी लुक ऑन द सेंटर पार्ट. एंड इसीलिए मैं 3D गोल्ड आउटलाइनर का यूज़ की. एंड ये 3D गोल्ड आउटलाइनर आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा. नॉर्मली जो एक्रिलिक कलर होता है उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिन होता है तो वो जल्द ही सूख जाता है, पर ये जो 3D आउटलाइनर है इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा ठीक है तो ये सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, पर ये सूखने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है. अब ये आप देख भी सकते हो.
Now you have to use some cardboard strips or some ice cream sticks to join all the cardboards together and इसीलिए आप कार्डबोर्ड को पहले बैक की तरफ घुमा लीजिए और उसके पीछे में आप कार्डबोर्ड्स को इस तरह ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा आइसक्रीम स्टिक्स हो तो बेहतर ये है कि आप आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ करें। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स ना हो तो फिर आप कार्डबोर्ड को स्ट्रिप्स के हिसाब से काट के यूज़ कर सकते हो। और मुझे 4 सिमिलर पैटर्न चाहिए था, इसीलिए मैं 4-4 कार्डबोर्ड को एक एक रोज़ बना दी और इसको पलटा के उसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दी थी। इसे मैं आपस में जुड़ने के लिए कटे हुए जो आइसक्रीम स्टिक्स था उसको मैं यूज़ कर ली और इस हिसाब से एक डायमंड शेप ले लिया। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, नाउ टू गिव इट अ बेटर आउटलुक आई एम गोइंग टू हैंग सम बेल्स विद द हेल्प ऑफ वूल्स। अगर आपके पास बेल्स ना हो तो आप ये वाला पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, फिर भी आपका जो क्राफ्ट है वो सुंदर ही दिखने वाला है। डियर्स, यू जस्ट एंजॉय योर क्राफ्ट सेशन विथ वट एवर द मटेरियल यू हैव एंड टू हैंग इट वेल यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ हैंगिंग अरेंजमेंट सो ईजिली एंड इट्स रेडी नाउ।